दो, केक वाला बाहर खाने वाला आ गया, मैंने कहा था ना दोबारा आएगा। चलो जी, यहाँ पे बच्चे दोनों रेडी हो चुके हैं। मुर्गा पानी की बोतल पकड़ी, अब अपनी पकड़ी, भाई को मैं भाई कर। आज मुर्गा भाई कह रही है मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। क्या हो रहा है बेटा? सही हो रहा है मुर्गा, जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बाबा के पास तो जाओ, बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा चीज़ दिलाएंगे ना आपको, जाओ बाबा एक और चीज़ दिला देंगे, जाओ। टीचर डांटेंगी भी, आज आप वहाँ जाओगे, आँख साफ करो। मिस बिस्मा कहेंगी क्यों नहीं आई स्कूल, तो फिर आप क्या कहोगे उनको? अच्छा बाबा के पास जाओ, बाबा के पास जाओ, बाबा कहेंगे अच्छा छुट्टी, टीचर को बोल के आ जाएंगे, टीचर को बोल के फिर वापस आ जाना, टीचर आज हम स्कूल नहीं आ रहे, सही है? जाओ स्कूल जाओ वहाँ पर। अच्छा बाबा के पास तो जाओ, यानी इसका हाथ पकड़ के लेके जाओ, चली जाएगी, सही है? मैं इसको जूस नहीं दिलाऊंगी, जूस नहीं लोगी, फिर मैं आपको जूस दिलाऊंगी, फिर वापसी मैं आपको जूस दिलाऊंगी पक्का, जब छुट्टी में आओगे ना आपको जूस ले दिलाऊंगी, जूस नहीं लोगी। अगर उमुल खैर स्कूल जाएगी तो जूस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अल्लाह हाफिज। वैन रुको, वो आ रही है, स्कूल जाएगी या क्यों नहीं जाएगी? रियान पकड़ के जाओ उसको, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, दिस इज़ फरीन डेली व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, यहाँ भी ठीक है। मेरी तबीयत आज सही नहीं है, दरअसल मेरे हो रहा है शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन, ये वाले शोल्डर में, और बस मोबाइल पकड़ी हूँ अपने हाथ से, बहुत तकलीफ़ से। मैंने नाश्ता ऐसे बच्चों के लिए अभी रेडी किया है, और बहुत अभी ज़्यादा हाथ मेरा पीछे बैक साइड पे मतलब नहीं उठ रहा है, एक तकलीफ बहुत हो रही है, तो बस आप लोग दुआएं करेंगे मेरा हाथ सही हो जाए, और मैं अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट रखी हूँ। इस तकलीफ़ के साथ बर्दाश्त तो कर रही हूँ, काम भी करना है, घर के काम तो जारी रहेंगे इंशाल्लाह, और बस इसी तरह चलते रहेंगे। बस ये हाथ का दर्द थोड़ा सा ही हो जाएगा कुछ इतने टाइम में, ना सिकाई विकाई कर लूँगी मल वल के ना अपने, तो सिकाई वगैरह हो जाएगी तो फिर सही हो जाएगा इंशाल्लाह। बस अभी बच्चे जा चुके हैं स्कूल, और अभी बस थोड़ी देर में आराम करूँगी, फ़ैन चलाती हूँ और फिर आराम करती हूँ। आज तो शकील भी घर के ऊपर हैं, क्योंकि शकील को जाए किसी काम से जाना था, तो आज उन्होंने ऑफ़ किया है, तो बस अभी फ़िलहाल अभी तो नहीं 12 बजे तक जाएंगे मेरे हाल से, फिर बस बच्चों को स्कूल छोड़ने गए, स्कूल छोड़ के फिर आएंगे, फिर उसके बाद 12 बजे इनको जाना है अपने काम से, तो फिर वो जाएंगे, जब तक मैं थोड़ा आराम करती थी। अच्छा जी गाइस, यहाँ पे हो गया मेरा स्कूल जाने का टाइम, बच्चों को लेके आने का टाइम, बस बच्चों को लेके आ रही हूँ, और आज मैं अपना रूम बंद करके नहीं जा रही हूँ, क्योंकि आज हमारे कमरे में वो ज़ैफा आए हैं, इनके ज़रा बाबा गए हुए हैं शकील के साथ काम से, जो मैं आपको सुबह बता रही थी कि सुबह जाना है हमको, शकील को जाना है तो उनके बाबा भी साथ जाएंगे, तो बस अभी मैं जाती हूँ बच्चों को लेके आती हूँ, जब तक ये हुज़ैफा हमारे कमरे में आराम कर रहा है, ठीक है? आराम करो जब तक लेके आ रही हूँ मैं, सही है? जाना नहीं, बाहर नहीं निकलना, वॉशरूम जाना तो वाला रूम खुला हुआ, वहाँ से चले जाना। अच्छा चलो 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 चलो, 6 सितंबर की छुट्टी हो गई, अभी 6 सितंबर थोड़ी आ रहा है, आज क्या तारीख है? डेकोरेट करेंगे टीचर, भाई को आवाज़ आना, रयान को देखो दरवाज़ा खुला हुआ है नहीं खुला हुआ, रयान आवाज़ लगाओ। तो जी हम आ चुके हैं, उम्र खैर आ गई है, रयान ऊपर पहले पहुंच गए, गेट बंद कर दिया हुआ उन्होंने, आओ जल्दी आओ, खुले ना तो बेटा, मैं यही बोल रही थी, मैंने कहा रियान को आवाज़ लगानी पड़ेगी आज, जैसे चाबी क्यों गया? हाँ
सही है। चलो अभी आवाज़ लगाती हूँ, बोले खैर बंद कर दूँ, आ जाओ। रियान को बोलो तुम्हारा घर पे सरप्राइज रखा हुआ है। आओ मैं खिला दो। नहीं मैंने बताया नहीं था, मैंने कहा आपका घर पे सरप्राइज रखा हुआ है। कौन सा? चलो कपड़े चेंज करो। अच्छा कपड़े चेंज करो, चलो यूनिफॉर्म चेंज करो। गाइस यहाँ पे उम्र खैर रेडी हो गई हैं स्कूल जाने के लिए, वो मदरसा जा कहाँ जा रही है मैं तो भूल जाती हूँ, आप बता दो। ऐसा करो। चलो चलो भाई रियान आपका वजू हो गया, वजू करके आ गए। चलो अच्छा यहाँ पे शकील भी आ चुके हैं, आराम कर रहे हैं, अभी 5 मिनट पहले ही यहाँ के लेटे हैं। मैं यहाँ बच्चों को रेडी कर रही थी। आ जाओ, शाबाश शाबाश। तो स्कूल जाते हैं, मैं मदर से जाते हैं, मैं रोते नहीं, ट्यूशन जाते हैं। अभी ट्यूशन भी जाना है आपको, अभी आपको ट्यूशन भी जाना है। जाओ फिर बाजी आ जाएंगी आपकी, मैं बाजी को बोल दूँगी रियान इसके साथ कहना बाजी से छोटी जल्दी छुट्टी दे दें। सही है, जाओ अल्लाह हाफिज़, जल्दी जल्दी छुट्टी दे देंगे। कहना यह सोई नहीं है ना तो इसलिए इसको ना ऐसे ऐसी हो रही है, आपने इसे जल्दी छुट्टी दे दें। जाओ जाओ नहीं है देर से आएगी। जाओ अच्छा बोल देना, सही है बोल देगा बस। जाओ चप्पल पहनो सही से, अभी इसको ट्यूशन भी जाना है। कहना 4 बजे ट्यूशन जाएगी बाजी, 4 बजे से पहले छुट्टी दे देगा। सही है ना, आप भी 4 बजे आ जाओगे ट्यूशन, दोनों जल्दी आना 4 बजे छुट्टी। हाँ हाँ रुका भाई आप जाओ, कहना बाजी हम 4 बजे जाएंगे। अरे जाओ सीधे, अच्छा जाओ रियान भाई इसको हाथ पकड़ के चले जाओ। रुका भाई है आप जाओ। अच्छा जी गाइस यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, बच्चों को भी रेडी कर लिया ट्यूशन के लिए। उम्र खा ये रही है, आज ये सोई नहीं है, जाग रही थी। चलो आज मैं कल को 4 बजे ट्यूशन छोड़ के आ जाऊँ, क्योंकि इनका टाइम वैसे तो 4 बजे ही है, मगर हो रही होती है लेट हो जाती हैं। चलो यहाँ पर रियान भी रेडी हो गए, आराम से रियान चोट लग जाएगी। चलो तो आपने चाय भी रख दी यार मेरे पास में। चल उम्र खैर आप आगे बढ़ो, मैं जब भी तो तुरूँगी जल्दी जल्दी। टूट गया कोई बात नहीं, चलो टूटने दो फेंक देंगे बाहर। चल बाहर फेंक देना, उठा लो बाहर फेंक देना। चल गाइस यहाँ पर उम्र खैर आ गई हैं ट्यूशन, ये नहीं आगे है और रियान भी आ जाए छोड़ने के लिए, कि देखूँगा कि कौन सा ट्यूशन है इनका। चलो आगे गए उम्र खैर, जल्दी जल्दी बताओ भाई को कौन सा ट्यूशन है, फास्ट फास्ट चलो। आगे वाला है, वो जो ठेला खरीदा खड़ा है ना, इसके आगे वाला घर है, ठेले से आगे वाला, ये रहा ऊपर जैसे मिस तलत का था ना ऊपर, ऐसे यहाँ पे ये ऊपर घर है। चलो आ जाओ आ जाओ, सलाम करिएगा ज़ोर से, ठीक है। चलो 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 आगे बढ़ें, आप भाई के साथ जाओ, भाव जाओ भाई छोड़ के आएगा। अच्छा मैं भी चल रही हूँ, आराम चलो, इसकी नियत थोड़ी सी ना वैसी हैं, गिरने वाली लग रही है मुझे, मेरे साथ चलो आप आगे, जब मैं कहूँगा वहाँ जाओगे ना फिर भागना। चलो चलो चाची यहाँ पर उम्र खैर को हमने छोड़ दिया है घर पर, हमने छोड़ दिया है ट्यूशन में, और अब हम जा रहे हैं ट्यूशन छोड़ के, और रियान को भेजना है ट्यूशन, रियान ट्यूशन जाएगा इसके बाद फिर हम जाएंगे घर जाऊंगे। अच्छा गाइस मैं आ गई हूँ घर, अभी तो शक्ल सो रहे हैं, तो अभी शक्ल उठेंगे 5-8 बजे तक उठेंगे, फिर ये जाएंगे अपना रास्ता ले कर, और फिर कमरे की सफाई वगैरह करेंगे, जब तक देखते हैं कि आप खाने वाने की करते हैं, भाई की सफाई कर लेते हैं जब तक। चलिए जी आओ। हाँ मुझे पता है, वो मैं चला दूँ।
चल ऊपर चल। मम्मा जुम्मा क्या? नहीं आज जुम्मा नहीं है। कौन कह रहा है आपसे जुम्मा? आज आ जाइए। ओ मेरी जल चप्पल उतार के एकदम चप्पल फटती से उतार दी। मुल्का आ गए हैं ट्यूशन से। है ये मुल्का? मुल्का मैं आपको पापा को तंग करती हूँ ना, पापा को मम्मा को ट्यूशन जाती हूँ। खुद ही चला गया था। सच बोलो। सच बोलूं। चलो अच्छा पैक उतारो। सीटी क्यों लाई हो? सो मैं चाहती भी आ रही हूँ। उसमें से सीटी तो निकलेगी ना। हैं अच्छा बैग जगह पे रखिए। चलिए मैं काम कर रही थी किचन में। चलो बैग रखो, आप बैग रखो किसी जगह पे रखिएगा, मैं आ रही हूँ किचन से। सही है? अच्छा जी यहाँ गाइस यहाँ आ गई है लाइट, और लाइट आने से पहले हमारी आज गैस हल्की हल्की आ रही थी, तो मैंने ना खाना चढ़ा दिया था, गोश्त चढ़ा दिया था। तो ये हमारा आज चने की दाल गोश्त रेडी, गोश्त चढ़ा दिया था तो मैंने इसमें भी चने की दाल डाली है लाइट आने के बाद। तो अभी दाल तो नहीं गली है, नहीं अभी दाल सही से नहीं गली है, थोड़ी अकड़ रही है। बस दाल बन गल जाएगी तो फिर खाना तैयार करते हैं। बच्चे को मुल्खैर को इंतज़ार करती कि ना हमें सोई नहीं, मैं खाना रेडी कर लूँ। हालांकि हमारा जल्दी आज बन गया। रोटियां मैं बना रही हूँ, यहाँ पे दो रोटियां बन चुकी, दूसरी तीसरी डाल ली थी। तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स को बताऊँ कि मैं फर्स्ट टाइम इस वाले चूल्हे पे, मतलब चूल्हे पे नहीं इस तवे पे रोटियां बना रही हूँ। वैसे अम्मी के घर पर शायद मैंने कभी बनाई हूँ, मुझे याद नहीं, एक आध दफ़ा बनाई हूँ शादी से पहले वो भी। और माशाल्लाह शादी को मेरे 10 साल होने, हाँ 10 साल हो गए कम्प्लीट, 11वां चल रहा है। तो ये है आज मैं इस पे रोटी बना रही हूँ, आज इस तवे पे रोटी बन रही हूँ। अभी नया तवा लेके आई हूँ, उस दिन अम्मी के साथ जाके हम लोग गए थे, केक भी लिया था हमने, तवे भी लिए थे, एक अम्मी ने लिया था एक मैंने लिया था, तो हम ये दो तवे लिए थे। अब बस आज मैं रोटी बना रही हूँ, देखें कैसी रोटियाँ बनती हैं। इस पर ना पतली रोटियाँ बनती, वैसे तो मैं उस वाले तवे पर बनाती थी, तो अब है ना आज फर्स्ट टाइम इस पर तवे पर रोटी बनेगी। ये देखिए मैंने रोटी डाल दी है इसके ऊपर, बना के दिखाती हूँ हम लोग। एक हाथ से कैमरा पकड़ी हुई तो एक हाथ से बनाना मुश्किल है, पर थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ। उसके बाद मैं रोटी देखिएगा हमारी रोटी कैसी बनती है, बनाती मतलब उस तवे पे आदत है ना, तो मुझे इस तवे पे आदत भी नहीं है, इसलिए मैंने कुंडे वाला लिया, क्योंकि मुझे कुंडे वाला पकड़ के रोटी सेकने की आदत है। चलिए जी यहाँ पे मैंने रोटी रेडी कर ली है थोड़ी सी, बस इस तरह से और सेकनी, फिर इसको बना के तैयार करके दिखाते हैं। अच्छा जी गाइस यहाँ पे मैं खाना लेके आ गई हूँ, ये बन गया चने की दाल गोश्त। थोड़ी सी दाल अभी भी मुझे लग रहा था ये गली है, गल गई है पर घुटे नहीं सही से ना, मैंने कहा ये सो ना जाए दोबारा, क्योंकि उम्र खैर तो सो रही थी, ये तो उड़ गई हैं, इनको उठा दिया गया। और ये देखिए मैंने रोटियाँ बना दी आज फर्स्ट टाइम, इस वाले तवे से बनाई, पतली रोटियाँ बनती हैं इससे ना, उससे थोड़ी मोटी बनती है, इससे ना पूरी पतली बन जाती है। चलो एक रोटी आप खाओ, फिनिश करना पूरी अपनी। देखिए मेरी रोटी बनी हुई हाथ की, उस तवे पे बनाई है ना ये रोटी, देखें इस तवे की बात ही अलग होती है ना, इस तवे की रोटी अलग ही शक्ल होती है, इस तवे की अलग शक्ल होती है, थोड़ी मोटी मोटी सी। चलें जी खाते हैं, पतली होती है इस तवे में, ये फ़र्क है कि पतली होती है। सही है? रो नहीं, चलो खाना। रियान हमारे ना क्यों रो रहे हो पहले बता दो। इसको ना अल्लाह की याद आती है, और रमज़ानों में या रमज़ानों की याद आती है, कभी दादा की याद आती है। दरअसल ये नाते सुनता है, देखें नाते लगी हुई हमारे टीवी पे, ये नाते लगी हुई हैं, तो ये टीवी पे नाते सुन के ना रोते हैं, इनको अल्लाह से बहुत ज़्यादा लगाव है इसलिए, है ना। चलो बिस्मिल्लाह पढ़ो, खाना खाओ, खाने के टाइम पर नहीं रोते। हाँ चलो मुल्का बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह ही वाला बरकतिल्लाह। चलें जी खाना खाते हैं, आप लोग भी आ जाए खा लें। अच्छा जी यहाँ शेखिल आ चुके हैं और खाना खा रहे हैं, खाना खा के बस अभी मुझे वो यूनिफॉर्म की जो शर्टें पड़ी हैं ना इन पे इस्त्री करनी, इनको चाय ला के दूँ पहले, पहले वो खाना ना खिला दूँ, शर्टें धोऊँ, क्योंकि रोज़ाना शर्टें इनकी वॉश होती हैं बच्चों की। खाना पूरा फ्रेश करिएगा, सही प्लेट बिल्कुल साफ़ करिएगा, साफ़ करके फिर उठिएगा। कल आप ही क्या हुआ वो चूल्हे का बताई थी मैं, चूल्हा फट गया उनका कांच का, जैसे उनका कांच का है ना, जैसे नीचे कांच का नहीं था, कांच के चूल्हे फट जाते हैं,
तो लगी थे नुकसान नहीं हुआ? पता नहीं, मैंने मैसेज किया था, आपके मैसेज आया था, वो तस्वीर भेजी थी उन्होंने कि ना मेरा कांच का चूल्हा फट गया। मैंने कहा कैसे, पूछ रही थी कैसे, मैंने पूछा तो अभी जवाब आया है, मैंने मैसेज देखा नहीं, उम्र खैर के हाथ में था मोबाइल ना हैं, हाँ अगर हम ओके पड़ता है ना, तो मैंने सुना है कि हमारे कांच के चूल्हे फट जाते हैं, पर हम बोले हमारा तो स्टील का है ना, हमारा तो स्टील का है ना, इसलिए मैं हम खाना चाह रही हूँ आपकी। गिलास नहीं लाई मेरे को, गिलास भी ले लो, ला दस्तरखान रख के आ जाओ। मैसेज तो किया था, अभी देखा आया मैं उनका मैसेज। अच्छा यहाँ पे शिकायत लगाइए क्योंकि चाय, लेकिन पी रहे हैं, जब तक ये चाय पी रहे हैं जब तक मैं जो है कपड़े से कट। अच्छा अमन खाना अभी सो नहीं रही, तो अभी सो नहीं रही, तो मैं उसको डांट के ना बोल के आई सो जाओ, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है, मैंने डांटा ना दो तीन आवाज में, तो अब अभी मैं खाली लेने गई हूँ, फिर गई थी कुछ कमरे में मोबाइल, मोबाइल लेने गई हूँ फौरन, देखा सो रही, सुबह से उठी नहीं आई यार, बताओ सोई थी उस टाइम पे ना, रियान ने इसको उठा लिया था, रियान ने उठा लिया था इसको, तो ना वो उसकी नींद ख़राब हो रही थी ना, इसलिए वो रियान ने यूँ उठाया था, मैंने रियान को पहले गई थी, रियान को सोने मत देना, मैं खाना बना के लेके आ रही हूँ, आप सोने मत देना, और फिर ये सो गई, मैंने कहा रियान कम में रियान को रहेंगे तो सो गई, तो क्योंकि हाँ मम्मा ये सो गई, इसको उठाने लगी, उसे उठा के रहा, फिर वो उठा के ट्यूशन तो जा रही है, तो अब आके सोने का टाइम था, बोल तो रही मैं भी सो गई, मेरी आन भी थोड़ी देर, मेरी मेरी भी अभी आग लग गई थी, रियान भी सो गया, रियान भी फ़ौरन 11 बजे ही सो गया था, लाइट नहीं है ना, लाइट कर गई 3:30 बजे, मैंने रियान को लिटाया 10 बजे तक, रियान तकरीबन 10 बजे तक सो गया, रियान सो गया, ये नहीं सो, पूरा 2 घंटे इसने मोबाइल चलाया, 11:30 बजे भी लाइट आई, तो अब जाके वो भी डांट के बिताया, अभी भी चक्कर नहीं थी खाने की चीज़ के, वो तो बहुत खराब हालत खराब मोबाइल पर, सुबह उठते मोबाइल मांगती है, ये इनके साथ रखना। चलें आप चाय पिए, जब तक मैं कपड़ों पे इस्त्री करती हूँ, ठीक है? अच्छा जी गाइस, यहाँ पे हो गया सोने का टाइम, बच्चे सो चुके हैं, शकील भी सोने के लिए लेटे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, अभी मोबाइल में अपनी न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं, बारिश की न्यूज़ वगैरह शकील देखते रहते हैं, और बस आजकल अल्लाह हाफिज़ कहने आ रहे हो शकील, कल अल्लाह हाफिज़ कहने आए थे, मैंने कहा आज अल्लाह हाफिज़ कहने आ रहे हो, आप नहीं आ रहे हो, आ रहे हो ऐसे ही आओगे नहीं, आज आज नया स्टाइल लेके आओ ना। अच्छा जी यहाँ पे सोने की तैयारी हो चुकी है, बस अब सोने के लिए मैं भी जा रही हूँ, मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दे, आज तक के लिए इतना ही, जिंदगी कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, ये शकील का नया स्टाइल, अल्लाह हाफिज़।